हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ एसआई इन्फोर्समेंट की जो पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कौन से टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। सो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं क्या एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, लेट्स बिगिन दिस नाउ। एग्ज़ाम में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको 2 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत कम सीट हैं, यहाँ पे 6 सीट हैं टोटल, और जो क्वेश्चन हैं वो 100 क्वेश्चंस हैं। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक स्किल मैट्रिक लेवल तक होगा जिसके आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक में आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और वो काफ़ी इजी होते हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कंप्यूटर आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जॉब रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। याद रखना है इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 से। सो आपको मिनिमम स्कोर 25 करना ही होगा, उसके बगैर आप कट ऑफ में अपना नाम नहीं दे सकेंगे अगर आपका स्कोर इससे लेस होता है तो। अब हम बात करते हैं कि जैसे इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, अर्थमेटिक स्किल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट के नाम से वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं इसे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे डायरेक्ट देख सकेंगे। 2 वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आपको कंप्यूटर के कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, और जो एक वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट दे देंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे टिपिकल पोर्शन रहेगा आपके लिए जीके, तो उसे आप वहाँ से कवर कर पाएंगे कि क्या कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है और किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो अगर जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करें तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आपने अगर यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम पेपर देखा हुआ है तो वैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं आप उन्हें ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएंगी वो स्कीम्स और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड जो चीज़ें हैं वो आपको लेबर लॉ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये 2 टॉपिक हो सकते हैं, इनको आप अच्छे से कवर करें ताकि ये 10 क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। सेकंड थिंग, आप करंट अफेयर इनके बेस पे प्रिपेयर कीजिए। जो भी लोग वीडियोस डालते हैं करंट अफेयर फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, आप उनको चेक कर सकते हैं और कुछ बेस्ट वीडियोस होंगी, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा किसी कमेंट से। आप जो भी पिन कमेंट हो उसको चेक कर लेना, मे बी मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँ। आप जॉब रिलेटेड में लेबर फोर्स या फिर लेबर लॉ हैं उनको आप कवर कीजिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इकोनॉमिक्स से आप उनको कवर कीजिए, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टॉपिक जो है ईपीएफओ जो इन्फोर्समेंट है, जो एसआई की इन्फोर्समेंट है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाई हुई हैं जो कि अदर पोर्शन को कवर करती हैं, जैसे इंग्लिश, जीके, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक स्किल, और कंप्यूटर के लिए अलग से वीडियो है, और जॉब रिलेटेड वीडियो उसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, आप उन्हें चेक कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी कैंडिडेट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। So, if you find this video is helpful to you, please like this video and subscribe this YouTube channel, and I will come with a new video like this, and stay tuned on this YouTube channel. Thank you for watching this video and giving your precious time. Meet you in the next one.